प्रीव्यू नंबर 1। तो गाइज बिना किसी बकवास के प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो गाइज, छोटे वोल्टेज का वीडियो है तो उनमें बहुत ही अच्छा लगेगा, तो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? कैपकट ओपन कर लो। यहाँ पर देखिए वीडियो या फोटो जो भी है कितने सेकंड के है, देखो 0.8 सेकंड का मेरा है। अगर आपका 0.8 एक सेकंड का है, मतलब आजकल छोटे वीडियो होते हैं उनमें शेक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो इसीलिए इनके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। इफेक्ट आपको लेना है, वाइब्रेशन सर्च करो, वाइब्रेशन फ्लैट जो है फ्लैश इफेक्ट है ये आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है? ये इफेक्ट आपको एक लेयर के बराबर लेना है, बस इतना ही। अब इसके एडजस्टमेंट में चलिए, इंटेंसिटी 100 रखना, ठीक है? इंटेंसिटी 100 से क्या होगा, इफेक्ट एकदम स्टार्टिंग से काम करेगा। अगर 80 होगा तो थोड़ा सा बाद में आएगा, इसलिए इसे कॉपी करो और अब चारों लेयर के नीचे लगा दो, ठीक है? ये लगाने के बाद आपको एनिमेशन लेना है। एनिमेशन में जाइए, यहाँ पर आपको जो है रॉक वर्टिकली करके एक इफेक्ट आएगा, ये आपको लेना है, ठीक है? रॉक हॉरिजॉन्टली मेरे हिसाब से आता है पर शायद है नहीं, वो भी आप लोगे तो बन सकता है। चारों में ये इफेक्ट लगा दो, आपका रेडी है। यहाँ से आप प्रीव्यू ले लीजिए, ठीक है, कि कैसा दिख रहा है। इसके बाद आपका जो है शेक 1 रेडी हो जाएगा। शेक 2 की तरफ चलते हैं, प्रीव्यू नंबर 2। तो गाइस दिखाता हूँ तुम्हें प्रीव्यू नंबर 2, ठीक है? तो ये भी देखिए किस तरह का है, मतलब जूम 1 जूम 2 करके एक बनाया है मैंने, कमाल का है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जूम आ रहा है जूम जा रहा है। तो ये भी छोटी इमेजेस वीडियोस के लिए है, ठीक है? बड़े इमेजेस और वीडियोस के लिए अलग मैं कभी ट्यूटोरियल लाऊंगा। फिलहाल देखो एनिमेशन सबसे पहले लेना है, कॉम्बो के अंदर आपको जाना है, जूम 1 जूम 2 दिखेंगे तो पहले इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसका दूसरा लेना है, 1 लिया है अभी, उसके बाद अगले में 2, फिर अगले में 1, फिर अगले में 2, फिर अगले में 1, अगले में 2, ऐसे लेना है, ठीक है? अभी 1 लिया, इसमें 2 ले रहा हूँ, अगले में 1 ले लेता हूँ। इस तरह मैंने ले लिया है अभी गाइज, इस तरह आपका दिखेगा कुछ। इसके बाद इफेक्ट में चलिए, इफेक्ट में वीडियो इफेक्ट में आपको जाना है और ओपन एंड क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे देखो ये नहीं, ये हेलो ब्लर लेना है, हेलो ब्लर आपको यहाँ पर लेना है। हेलो ब्लर देखिए बराबर आपको एक लेयर से थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है? आधे से थोड़ा ज़्यादा, एक से थोड़ा कम, बस। ये लेने के बाद स्पीड को करो 100, ठीक है? स्पीड 100 करने से स्टार्ट में दिखता है और इंटेंसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉपी करके हर एक लेयर के आगे मैं ये लगा देता हूँ, बस। ये लगाने के बाद एक शेक ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है? एक छोटा सा शेक लेके इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पर ये शेक है, बिल्कुल इस इफेक्ट से थोड़ा आधा लेना है, ठीक है? ये जो इफेक्ट है इसका आधा लेना है, बस। बिना किसी सेटिंग को एडजस्ट किए कॉपी करके हर जगह लगा देना है और आपका छोटा सा शेक रेडी, प्रीव्यू नंबर 3। तो गाइस अब तुम्हें प्रीव्यू नंबर 3 दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए गाइस इस तरह का है, बिल्कुल शेक 2 से थोड़ा सिमिलर होगा, लेकिन कमाल के है गाइस, तीनों शेक बड़े कमाल के हैं, ठीक है? अभी तक आपने वीडियो तक बने रहे हो मतलब आपको पसंद आया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस अगर पसंद आ रहा हो तो। अभी यहाँ पर आपको शूज नाम का इफेक्ट लेना है, ठीक है? मतलब एनिमेशन लेना है, हर एक के अंदर आपको लगा लेना है, ठीक है? आधे से थोड़ा ज़्यादा लगाया एनिमेशन। इफेक्ट्स में चलते हैं गाइस, वीडियो इफेक्ट के अंदर आपको जो है नाइट क्लब के अंदर जाना है, पहले ही शेक लेना है आपकी बार, और शेक जो है गाइस जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो, ठीक है? देखो मैंने कर दिया, यहाँ पर इतना छोटा हुआ है। एडजस्ट में जाके स्पीड को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को भी बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल छोटा किया और इंटेंसिटी फुल की है। कॉपी करके हर एक लेयर के आगे सबसे पहले नहीं लगाना है आपको, बस इस शेक के आगे लगाना है। और यहाँ पर जो है इस वाले में इंटेंसिटी और स्पीड दोनों कम करनी है, इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही कम कर रहा है, 10:9 के आसपास, बस। अब इन दोनों इफेक्ट को बारी बारी से कॉपी कीजिए और हर एक लेयर के आगे इन दोनों इफेक्ट को लगा लीजिए। पहले मैंने ज़्यादा शेक, जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला शेक है वो मैंने लगा दिया, अब कम इंटेंसिटी वाला शेक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? ये वाला काम अपना कंप्लीट हो गया है गाइज। इसके बाद जो है एक इफेक्ट आपको और लेना है, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाइए और ओपन एंड क्लोजिंग के अंदर आपको जाना है, हेलो ब्लर ही वापस आपको लेना है। हेलो ब्लर ले लो यहाँ पे, हेलो ब्लर जो है गाइज अब की बार आपको कितना लेना है देखो, ये आपको एक लेयर से थोड़ा कम में लेना है, जैसे कि अपन ने पहले लिया था, यहाँ पर आपको ये इतना लेना है बस। इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है? और स्पीड को 100 रखना है, ठीक है? और अब आपको इफेक्ट को कॉपी करके हर एक लेयर के आगे लगा देना है, इस तरह आपका जो है ये वाला शेक भी रेडी हो जाएगा, ठीक है? अब आप इस शेक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।